जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लासेस में आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप से लेकर कि कलेक्शन करके हम कलेक्शन से स्टेटस कैसे सही करें और जिनका जिन बच्चों का पेंडिंग रिजेक्टेड या आई एफ एस सी वेरिफिकेशन दिख रहा है वो लोग क्या करें तो देखिए सबसे बड़ा आज मुद्दा है यू आई डी इज नेवर अनेबर फॉर डी बी टी हमारा डी बी टी क्या होता है यदि डी बी टी दिख रहा है तो स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी हम लोग क्या करें तो इसके लिए और किसी बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट बट नॉट रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ये दिख रहा है तो हम आपको बताएंगे ऑनलाइन करेक्शन ऐसे करें तो तुरंत आ जाएगी आपकी स्कॉलरशिप तो देखिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए आपका स्कॉलरशिप हंड्रेड परसेंट आएगा तो देखिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है तो जो जो डीबीटी होता है तो डीबीटी पर हम लोग कैसे क्या करें तो आप अपने एक, वहाँ पर जाइए शाखा में और वहाँ पर कर, कहिए कि सर हमें डीबीटी बी अनेबल करवाना है यानी डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनसे कहिए सर मुझे डीबीटी यानी जो भारत सरकार है भारत सरकार कोई भी आपको पैसा देती है वो डी के जरिए देती है डी का मतलब होता है कि जो पहले जो होता था वो पैसा ऐसे ही अकाउंट में आता था तो कुछ लोग वाग बीच में खा लेते थे, थे उन पैसों को और कुछ ही राशि उनके पास पहुँच पाती थी तो अब सरकार ने डी किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसमें सभी कस्टमर्स का बेनिफिट होता है कि उन्हें डायरेक्ट पूरा वहाँ पर मिल सके तो आपको क्या क्या काम करने हैं वहाँ पर हमारा वीडियो पूरा देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो आपको फुल के सी करवानी है थंबनेल करवाना थंब इम्प्रेशन करवाना है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करवाना है तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास समय समय की नोटिफिकेशन आती रहेगी बैंक से और जो बड़े बड़े बैंक हैं वो तो करवाते हैं डी और जो छोटे बैंक हैं वो करवाते हैं एन तो एन क्या है तो हमारी जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी हमारे छोटे बैंक वाले करवाते हैं तो आप जो छोटा बैंक है आपका तो आप वहाँ पर जाकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपना इनेबल करवा सकते हैं हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका चेक करके बताएंगे कि आपका आधार कार्ड है वो किस बैंक के अकाउंट में लिंक है और किस बैंक के अकाउंट में हमारी राशि जाएगी तो आप वीडियो को पूरा देखिए हम थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा हमारी कलेक्शन की जो डेट है वो 21 फरवरी है और जो हमारे फर्स्ट जो चरण था उसका हमारा स्कॉलरशिप का वितरण हो चुका है सेकंड चरण था उसका भी वितरण हो चुका है थर्ड चरण जो है 26 मार्च तक आपका 25 मार्च तक आपका पूरा वितरण होगा 25 मार्च तक हर किसी बच्चे के अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाएगी इसमें जो वंचित अभी छात्र हैं वो 26 लाख छात्र हैं और छब्बीस लाख छात्र अभी रह चुके हैं जिनके अकाउंट में पच्चीस मार्च तक स्कॉलरशिप आ जाएगी अब जो बच्चे हैं एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फाइनली सबमिट वाट नॉट रिसीव्ड बाई इंस्टीट्यूट तो इन बच्चों का मतलब ये है या तो बच्चों ने खुद फाइनल सबमिट तो कर दिया है लेकिन उनने अपना इंस्टीट्यूट में फॉर्म को सबमिट नहीं किया है इसलिए जो आपका इंस्टीट्यूट है जो आपका स्कूल कॉलेज है उन्होंने और समाज कल्याण विभाग को नहीं दिया है यदि आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कीजिए यदि आपने दे दिया है तो आपके कॉलेज वालों की गलती है तो आप उनसे कहिए सर हमारा फॉर्म समाज कल्याण विभाग को दे दीजिए जो भी आपका मेटर है वो आप अपने कॉलेज वालों से कर सकते हैं बच्चे का जो मैसेज आया है वो कह रहा है सर मैंने जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया है लेकिन हमारा फाइनल सबमिट नहीं हो पाया तो आप क्या होगा भाई तो अब कुछ नहीं होगा आपको अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं फाइनल सबमिट की जो लास्ट डेट थी हो सकता है आपका करेक्शन में अब कुछ नहीं होगा और जी इन भाई का दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल बट फॉर्म नॉट ले फाइनली सबमिट तो भाई आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया है तो अब इसमें आपका कुछ नहीं होगा आप अगली साल फिर से ट्राई कर सकते हैं आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे अपना स्टेटस चेक करें कि हमारा किस बैंक अकाउंट में हमारा आधार कार्ड लिंक है और किस बैंक अकाउंट में हमारी राशि जाइए जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है रोज़गार लो डॉट कॉम पर क्लिक करना है और जो आपके तो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगा यू पी स्कॉलरशिप स्टेटस दो तो कैसे चेक करें तो आपको सीधे नीचे जाना है और जो रीड मोड है इस पर आपको करना है क्लिक अब आप सीधे नीचे जाइए आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आप चेक कर सकते हैं हमारा तो देखिए स्टेटस कलेक्शन का भी यहाँ पर दिया है जो पोस्ट मैट्रिक हैं सभी के लिए और ये सब कुछ दिया है तो जे यहाँ पर हमको जे करना है वेरीफाई बैंक अकाउंट तो इस पर हम लोग करेंगे क्लिक तो आप आ जाएंगे यहाँ पर तो आप सीधे यहाँ पर जाइए और नीचे आपको जो आधार नंबर है आप यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर डालना है आपको कैप्चा तो आप यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड तो मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल लिया है अब हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में दिख रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन तो हमारा जो आधार कार्ड नंबर है वो हमारा बैंक अकाउंट में लिंक है अब यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर नहीं दिया है और बैंक स्टेटस नहीं दिख रहा है बैंक तो भाई हमारा या तो एक से दूसरे बैंक अकाउंट में लिंक है या फिर किसी और वजह से सर्वर की वजह से हमारा यहाँ पर खुल के नहीं आ पा रहा है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है हमारा यहाँ पर जो मैपिंग हैज बीन डन है वो हमारा सबमिट है किसी भी जानकारी के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम लिंक, लिंक पर जुड़ सक ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आप वहाँ पर कोई भी समस्या का समाधान पाने के लिए मैसेज कर सकते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि समय समय पर आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे धन्यवाद